भाई। हेलो सिद्धार्थ, मैं विनीत बात कर रहा हूँ। अरे विनीत, आज इतने दिन बाद कैसे कॉल किया? बस यूँ ही सोचा थोड़े पुराने दिन याद किए जाए। और बता कैसा है तू? अरे बस एवर। और वो तुझे याद है क्या, वो अपने क्लास वाली अनामिका जिसे तू हमेशा परेशान करता रहता था, और वो बेचारी कुछ तो बोल भी नहीं पाती थी यार। हाँ, और वो नायिका जिसका टिफिन सब मैं हमेशा चुरा के खाता था। आई मिस दोस डेज। हाँ हाँ, और चलो सबको कॉल कर लेते एक बार, कॉन्फ्रेंस ले लेते हैं। अरे यार, किसका फोन आ गया? हेलो, अनामिका हियर। मैम स्माइल, परफेक्ट। हेलो, मैं विनीत बात कर रहा हूँ। फिलहाल तो मेरी शूट चल रही है, लेकिन दो दिन बाद मैं फ्री हूँ। काफी पंचर हो गया है।
अब क्या करें, क्योंकि अभी फंक्शन हो रहा है और पार्क में कोई मिलता नहीं दिख रहा। लगता है अल्ट्रा तो नहीं मिलता उन्हें। आसपास तो नेगेटिव होगा। मुझे थोड़ी पता था तू आने वाली है, तो यही की तरह इंतजार कर रहा था ना। गाइस प्लीज मजाक नहीं, आज रात हमें शायद नहीं इतना पड़ेगा। प्लीज भूतिया कर रहे हैं गाइस, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं हूँ। दिल्ली में कोई भूत आ रहा है क्या? अरे चलो देखते हैं रहने की जगह कोई। चलो ठीक है। अरे अचानक से लाइट ऑन ऑफ क्यों होने लगी? ये क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे पर इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे? हमें आज रात यहीं रुकना होगा इस भूतिया होटल में। नहीं तेरे लिए हम फाइव स्टार होटल खुला करते हैं। अरे यार आज रात हम यहीं सोएंगे, दैट्स इट, नो मोर डिस्कशन प्लीज। एक दिन जिंदगी होगी इतनी हसी, मैंने सोचा ना था। बड़ी मेहनत के बाद अब मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, फाइनली रिजल्ट्स आर आउट। अब मैं अपने ड्रीम्स डुपोंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ फाइनली। कॉलेज का पहला दिन एवरीथिंग वॉज बेस्ट, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, सब कुछ सही था। पर लंच टाइम पर राकेश भाई ने मेरी रैगिंग ली। आज सुबह कॉलेज पहुंचते ही सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा था,
धीरे धीरे हम दोनों फ्रेंड्स बन गए और एक दिन धीरे धीरे मैं नशे की लत में डूबता गया। पहले मैं उसे पीता था, अब वो ना जाने मुझे पीने लगा है। आज तो मैंने माँ की चैन तक बेच डाली नशे के लिए। शर्म आती है मुझे खुद पर, मैं चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहा हूँ। अब मैं नहीं जी सकता, यो तिल तिल कर आखिर कब तक ये ज़िंदगी जीता रहूँ। इससे तो अच्छी मौत है, अलविदा। जाते जाते मेरे बात आने वालों को बताना चाहता हूँ, ये नशा एक ऐसा सौदा है जिसमें जान तक को गिरवी रखना पड़ता है। कभी माँ के गहने, कभी पिता का विश्वास, कभी सुनहरे सपनों की बलि, तो कभी परिवार की खुशियों का सौदा, वो आकाश तक को छूने की उमंग, कभी जीवन के वो सतरंगी रंग। सब कुछ छीन कर नशे में मुझे बदले में सिर्फ और सिर्फ बेचैनी और मौत से बदतर ज़िंदगी दी है। आज उसे भी ख़त्म करने जा रहा हूँ। हाँ, मैं मरने जा रहा हूँ। हाँ, हर अरमान को दफन करने जा रहा हूँ। हाँ, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। अरे ये तो ड्रग्स है। हमें अविनाश को यहाँ दिलवाना ही होगा। क्या तुम इस सब में मेरे साथ हो? हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम उन ड्रग पेंडर्स को सजा दिलवा कर ही रहेंगे। हाँ चलो बाहर चलते हैं, वैसे भी सुबह हो रही है। अरे ये गेट तो बंद है, चलो कोई दूसरा गेट देखते हैं। वो देखो वहाँ शायद कोई रास्ता मिल जाए। हाँ चलो। अरे वो देखो वो लड़की वहाँ क्या कर रही है, वो भी इतने सुबह। चलो उसका पीछा करते हैं। हाँ चलो। अरे ये देखो ये ड्रग्स लग रहे हैं। हाँ और ये ड्रग्स के इंजेक्शंस भी है यहाँ पे, तो अब हमें नार्कोटिक्स की मदद लेनी होगी। हाँ मेरा दोस्त है विक्रम, मैं उससे बात करता हूँ। हेलो विक्रम, आई नीड योर हेल्प। हेलो विक्रम। हेलो विक्रम सर। ये तो काफी हाई पावर वाले ड्रग्स से, इससे तो किसी की जान भी जा सकती है। वो लड़की कहाँ है? चलिए सर। अब अपना प्लीज। यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मिर्जा है, मैं पासी के कॉलेज में पढ़ती हूँ। ना जाने मुझे ड्रग्स की आदत कैसे लग गई। कौन थे वो लोग? नहीं वो लोग बहुत खतरनाक है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो वो मेरी जान ले लेंगे। देखो जो भी है साफ साफ बताओ, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, बस उनका हमें पता चाहिए। मुझे पता तो नहीं पता, लेकिन वो कल कैंटीन के पास आने वाले हैं। ठीक है, कल हम तुम्हारा पीछा करेंगे, तुम हम उन तक पहुँचाना। Thank you.
और इसकी खातिरदार करेंगे। बता बोले इन सबके पीछे। मैंने बता सकता। बताता है दो एक। जल्दी बता। बताता हूँ सब, बताता हूँ। इन सब के पीछे रोजी मर्चेंट है। कहाँ मिलेगी वो? यही खाली बाग में पास में उसका बंगला है, वही मिलेगी वो। कौन हो तुम लोग? रोजी मर्चेंट। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है। यू आर अंडर अरेस्ट। ऐसे बहुत लोग आते हैं। मासूम यो आपको नशे की लत लगा के तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो देख लूंगी तुम सबको। हटो कर। विनीत केस सॉल्व। थैंक्स बड़ी। अरे कोई नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। यही है वो लोग जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये तो सिर्फ फांसी ही होगी। यही लोग हैं वो जिनकी वजह से अविनाश की मौत हुई है। इनको फांसी होने पर ही अविनाश की आत्मा को शांति मिलेगी। जीते जी तो अविनाश को न्याय नहीं मिल पाया, पर अब मिलेगा न्याय। तुम कूल नहीं अगर तुम लेना चाहते कोकेन, तुम भूल के भी लेना मत हीरोइन फॉर द पेन। पेन है तो स्मैश इट नो मैटर व्हाट कम्स, से विद मी से नो टू ड्रग्स। डॉक्टर या फिर स्पोर्ट्समैन बनने का तक ख्वाब, आंखों में जो सपने थे वो जल के हो गए राख। पछता के याद आएगा घर के खाने का वो स्वाद, उसको था खुद पे विश्वास, यही था उसका एहसास। ये एक समय की बात, समय के बाद नहीं मिलता हमको कुछ भी खास, बस लेना सांस, यही था उन लोगों का एहसास। बस डिग्री पास, बस नशे से ही वो था बर्बाद। चलो करें इन्हें साफ, साफ कर फिर भी लोग झड़ पर चने के बुरे दोस्त कई बेटा हमारे भी बने थे। लड़ेंगे और इनका धंधा बंद करेंगे, कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। सड़ेंगे मन फिर लेने से पहले रुकोगे, समझेगी बात फिर करने से पहले सोचोगे, हमारी तरफ भी दूसरों को करने से रुकोगे, मरने से पहले फैमिली के बारे सोचोगे। खुश होके खुद को नहीं लेना चाहिए था, इन सब चीज़ से दूर रहना चाहिए था, कुछ कर दिखा था नहीं सहना चाहिए था, तब समय था पास तेरे कहना चाहिए था, नहीं जलना चाहिए था। हम झुकते नहीं बड़ों की बातें, बस हम सुनते वही लाइन लिखते जाते, हम रुकते नहीं वाइप करते जाते, हम टूटते नहीं। तुम कूल नहीं अगर तुम लेना चाहते कोकेन, तुम भूल के भी लेना मत हीरोइन फॉर द पेन। पेन है तो स्मैश इट नो मैटर व्हाट कम्स, से विद मी से नो टू ड्रग्स। डॉक्टर या फिर स्पोर्ट्समैन बनने का तक ख्वाब, आंखों में जो सपने थे वो जल के हो गए राख। पछता के याद आएगा घर के खाने का वो स्वाद, उसको था खुद पे विश्वास, यही था उसका एहसास।